पहले आज से 5 साल या 10 साल पहले जितना नाम सुनते थे उससे कई गुना आजकल हम सुनते हैं, कई गुना उनके प्रोग्राम्स होते हैं, उनका मूवमेंट के बारे में कई गुना हम लोग जानकार हैं, जानते हैं। मगर क्या उनका मूवमेंट सच्चाई में आगे प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये अगर हम देखेंगे कि सक्सेस का रेशियो में अगर आप देखेंगे उनके लोगों का क्या हालत है, उसके बारे में हम सोचेंगे तो शायद कहीं ना कहीं कमियां नजर आ जाता है। हम लोगों ने इसके बारे में सोचने से एक दो कमियां हमें आइडेंटिफाई करने के लिए मिल रहा था, कहां कमियां हैं। ज्यादातर बाबा साहेब का जो मूवमेंट चलाने वाला है उनका सबका एक मंत्र सबसे ज्यादा आजकल सबको मन में आता है, पॉलिटिकल पावर इज दी मास्टर की। सत्य का जो चाबी है वो सबका समाधान है। क्या हम इस वाक्य को या इस निर्देश को सही मायने से लिया कि नहीं लिया, सही मायने से समझा कि नहीं लिया? हमें दो प्रश्नों का उत्तर से ये बात समझ में आ जाता है। एक है ये जो चाबी किसके लिए लेना है, सत्ता का चाबी किसके लिए लेना है? क्या हम इंडिविजुअल के लिए पावर लेने के लिए लेना है ये चाबी, या समाज का फायदा के लिए लेना है ये चाबी? अगर समाज का फायदा के लिए लेना है तो हमारे बीच में इतने नेता लोग आपस में ईगो प्रॉब्लम से आपस में एक दूसरे को खोज के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी करके अलग अलग सोशल मूवमेंट करके मतलब हमारा सोसाइटी मतलब सोशल मूवमेंट्स में अगर आप देखेंगे इतने सारे बामसब देखो या दूसरा ऑर्गेनाइजेशन को इतने इतने सारे नहीं बनते। तो ये चाबी किसके लिए चाहिए ये हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। उसमें हमारा वक्तागण इसके आगे क्लैरिफाई करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा पहलू ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या हम ये चाबी किसी भी हद तक जाके ले सकते हैं कि नहीं जी? कैन वी अटेन दिस की एट एनी कॉस्ट? कुछ भी करें, किसी को मारे, किसी को कुछ भी करें, ये चाबी लेने से क्या ये चाबी हमारे पास रहेंगे? अगर सत्ता के चाबी लेना हो, हीरालाल जी ने अभी थोड़ा देर पहले बताया था हमारा आंदोलन होना है कि चाहिए कि संविधान के तहत। जब तक सत्ता का चाबी सही रास्ते से सही मायने से हाथ नहीं आएंगे ये चाबी कोई काम का नहीं होगा। अगर सत्ता का चाबी सही मायने से सही पर्पस के लिए आना हो तो इसके लिए क्या जरूरत है? बाबा साहब का आप जीवन आंदोलन का जो पूरा पीरियड देखेंगे वो कभी एक मुद्दे सिर्फ अकेले लेके नहीं जाते थे। उनका आंदोलन एक पूरा कंप्लीट पैकेज था। इंसान को अपने पूर्णता पे पहुंचाने के लिए, इंसान को अपने आप को समझने के लिए,
इंसान को अपने आप में बेहतर बाकी सब जीवों के सब इंसानों के साथ बराबर की दर्जा देने के काबिल बनाने के एक प्रोग्राम थे। हमारा कम्युनिटी का जो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए उन्होंने जो मूवमेंट चलाए थे, उन्होंने शुरुआत किए थे लेबर मूवमेंटों से, अनटचेबिलिटी दूर करना पहले मुद्दे थे उनके। उसके साथ साथ उन्होंने जो काम करने वाला मेहनत करने वाला लोगों का सही दाम मिलना, सही वेजेस मिलना, सही बेनिफिट्स मिलना, वेलफेयर उनका, ये सारे एक बहुत बहुत बड़ा मुद्दे थे। 1936 से लेके 1950 जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बने थे, लेबर मूवमेंट को उन्होंने इतने इंपॉर्टेंस दिए, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी भी शुरुआत में पहले लेबर पार्टी बनाए थे। क्यों? 56 में उनका गुजरने के बाद जो पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने शुरुआत करने की बात करे तैयार रखे थे, वो शुरुआत भी हुई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ना तो वो पार्टी ना तो उनके बात में जो भी पॉलिटिकल पार्टी आए बहुजन का नाम लिखे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लेबर का बात बिल्कुल खाना बंद कर दिया। लेबर कौन है इस देश का? लेबर इस देश का ज्यादा नहीं है तो 70% इसी कम्युनिटी का, इसी ग्रुप का लोग है। अगर हम सिर्फ आईएएस लेने, आईपीएस लेने या मंत्री बनने में की बात कर रहे हो तो किसका फायदा के लिए है ये सत्य का चाबी? अगर हम सत्य का चाबी उन लोगों के लिए नहीं लेने के लिए काबिल नहीं बनाते तो कोई काम का नहीं है। अगर हमारा बहुजन मूवमेंट आज कई हेडलेस नजर आ रहे, कई आगे प्रोग्रेस नहीं हो रहे, तो मैं ये समझता हूं कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट रीजन यही है कि हम अपने ही भाइयों, अपनी ही बहनों, जो सबसे नीचे तबका है, जो तीन देर का रोटी के लिए मेहनत करता है, उनके बारे में सोचने के हम भूल गए हैं। इसलिए हमारा लेबर के बारे में बात शुरुआत है। और फिर हम स्पिरिचुअलिटी पे जा रहे हैं। बाबा साहेब ने लास्ट इयर्स में बुद्धिज्म को अपनाया था, दीक्षा लिए थे। उनका पूरा जीवन का आंदोलन और अध्ययन के बाद उन्होंने ये समझ में आया और हमें बताया गया कि बुद्धिज्म में आप लोगों को इसलिए रेकमेंड कर रहा हूं क्योंकि वो तार्किक है, आपका सोचने का साइंटिफिक तौर पे सोचने से अगर कोई रिलीजन आप अपनाओ अपना सकते हो वो यही रिलीजन है। उनका स्पिरिचुअलिटी में यही कहना था आप लोगों को कि इंसान का माइंड जो अंदर, जो इंसान के अंदर का जो सोचने का कैपेसिटी है, वही सब गुणों का सेंटर है। जब तक आप उसको सही तरीके से डेवलप नहीं करेंगे,
सही सोचने के लिए सिखाएंगे नहीं, सही मूल्यों को अपनाएंगे नहीं, कभी अपना सक्सेस में नहीं पहुंच सकता है। उन्होंने ये कहा था, क्लीनिंग ऑफ द माइंड इज द एसेंस ऑफ रिलीजन, अपना मन को साफ करना और रिलीजन के बारे में जब उन्होंने बोलना शुरू किया था, उन्होंने जो रिलीजन डिफरेंट रिलीजन जो है उनके बारे में उन्होंने एक शब्द कहा था कि जो रिलीजन चलाता है, जो प्रीस्ट है, प्रीस्ट का जो वर्ग है, उसको ईविल जीनियस कहा था, जिसने षड्यंत्र रचता है, जिसके कारण से वर्ण व्यवस्था, कास्ट सिस्टम सब हमारे देश में पैदा हुए हैं। आज हम कहां रहे हैं? हमारा देश का क्या हालत है? उनके जो इम्पोर्टेंस है, जो प्रीस्ट का इम्पोर्टेंस है आज का डेट में, मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। अगर कल का जो न्यूज़ है उसके बारे में अगर आप सोचे, हैदराबाद में क्या हुआ था, 4 अक्यूज को, जिसको एक हफ्ते पहले अरेस्ट हुए थे, एक या दो हफ्ते पहले अरेस्ट हुए थे, एक हफ्ते पहले अरेस्ट हुए थे, वहां से ले जाके एनकाउंटर में मारा गया रात को 3 बजे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो गलत काम का वो आरोपी थे, वो गलत काम करने वालों को कहीं सजा नहीं मिलना, सजा जरूर मिलना चाहिए। संविधान के तहत, कानून के तहत प्रोसीजर फॉलो करके, मगर आप कुछ प्रीस्टली वर्गों के बारे में देखेंगे तो आपने सुना होगा एक प्रीस्ट देश से भाग भी गए इसी एक्यूज के में, और एक राष्ट्र भी शुरू किया है भारत के बाहर जाके, नाम नहीं लेना चाहता हूं। यूपी में अगर आप देखें, इसी एक्यूज निकल गए बेल में 2 दिन पहले, उस विक्टिम को जला के अस्पताल पहुंचाया है। तो हम किस रास्ते में जा रहे हैं? मैं कंक्लूड कर लूंगा यही बोल के कि हमारा वक्ता लोग इस पे और रोशनी डाले कि क्या हमारा मूवमेंट, जो बहुजन मूवमेंट है, बाबा साहेब का जो मूवमेंट हम समझते हैं, वो सही रास्ते में है या नहीं है? अगर सही रास्ते में नहीं है तो क्या लेबर और स्पिरिचुअलिटी उसका कारण है? उसमें उस दोनों चीजों में हम सही लाइन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, वो है क्या उसका कारण? यही बातों को आगे हम लोग सुनेंगे। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।